डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टर अक्सर लोगों को बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह देते हैं, तो लोग भी यह उम्मीद करते हैं कि डॉक्टरों को बुरी आदत नहीं होगी। पर शराबबंद बिहार में जब शराब के नशे में एक डॉक्टर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया तो लोगों का भ्रम टूट गया। दरअसल बिहार में शराबबंद है और इस बंदी को लागू करने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। पूर्ण शराबबंदी पर मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक के बाद शराबियों पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। राजधानी पटना में अब शराब पीने वालों की खैर नहीं है। पटना पुलिस लगातार शराब पीने वालों पर नकेल कस रही है। शादी समारोह हो या कोई भी संस्थान या अपने घर में भी आप छुपकर शराब पीने या पिलाने पर पकड़े जा सकते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार छापेमारी भी पटना पुलिस करती है जो अवैध तरीकों से घर में शराब पीते हैं। एक ऐसा ही मामला पटना के कंकरबाग इलाके से सामने आया, जहां पुलिस ने घर में छुपकर शराब पी रहे सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर की गिरफ्तारी पटना के कंकरबाग थाना इलाके के नंदन अपार्टमेंट के बी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 104 से हुई, जहां डॉक्टर नशे के हालत में थे। पुलिस ने डॉक्टर सरोज कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में लग गई है। पुलिस के सामने गिरफ्तार डॉक्टर सरोज कुमार पांडे ने खुद कबूल भी किया कि रांची में शादी समारोह से लौट कर आए और वहीं से शराब लेकर आए थे। बताया जाता है कि डॉक्टर साहब पहले फौज में डॉक्टर थे, पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के CGSH अस्पताल कंकरबाग में फिजिशियन के पद पर पोस्टेड हैं। हालांकि डॉक्टर साहब की पत्नी नीलम पांडे ने बताया कि डॉक्टर साहब को साजिश के तहत फंसाया गया है, क्योंकि इनके अस्पताल में काफ़ी दिनों से कुछ मैटर पर इनको विरोधियों से विवाद चल रहा था। डॉक्टर साहब की पत्नी का कहना है कि उन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना देकर डॉक्टर साहब की गिरफ्तारी करा ली है। हालांकि डॉक्टर की पत्नी कहती हैं कि डॉक्टर साहब को शराब पीने की लत भी है। ये तो कभी कभी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। कल गए थे, रांची गए थे शादी में, तो हो सकता है उसे। आज तो दिन में घर में ही थे शाम से। नहीं, कल गए थे रांची, आज तो यहीं शाम में घर में थे। मेरा भगना भी आया था, वकील था, बैठ कर। नहीं, आज तो नीचे नहीं गए हैं। किनके द्वारा सूचना दी? किनके द्वारा सूचना दिया गया कि सूचना? हमको नहीं मालूम किसको कौन सूचना दिया है। सो हमको नहीं पता है। तो एक बैग पुलिस आया, तब दरवाजा खोल, ताला लगा हुआ था। यही पता किया? हाँ। क्या बोल? वो कुछ हल्का आया उसके मशीन में कुछ आया। तो हो सकता है कल गए थे वहाँ शादी में रांची में, तो हो सकता है उसका असर हो कि क्या। लेकिन ना तो थे घर में ही थे शाम में 8 बजे, तो मेरे भगने गया है, उसके आधा घंटा के बाद ही लोग आए हैं पुलिस वाले। किस पर शक लग रहा है कि कौन सा? अब हम नाम क्या बता लेंगे। ऑफिस का प्रॉब्लम इनका बहुत दिन से चल रहा था, 10-15 दिन से कुछ। जबकि कंकरबाग थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर की जब जांच की गई तो उसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। ब्रेथ एनालाइजर में जो शराब की रीडिंग आई वह काफ़ी हाई थी। कंकरबाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह ने कहा कि डॉक्टर सरोज कुमार पांडे के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि वे शराब के नशे में घर में हैं। चूंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लिहाजा पुलिस ने छापेमारी की और उनकी जांच की तो शराब पीने की पुष्टि हो गई, और उसके बाद डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर साहब को उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया। नंदन अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 104 है, उसी अपार्टमेंट में ये रहते हैं। इनके घर में सुगुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया। छापामारी में इनके ब्रेथ एनालाइजर से जब इनके घर में ही जांच किया गया तो शराब पीने की पुष्टि हुई। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनके शराब पी हुई थी, जिसके कारण रिपोर्ट भी उसी तरह आया है। क्या नाम है और क्या करते हैं? डॉक्टर अजय कुमार पांडे नाम हुआ इनका। ये
पहले तो आर्मी में ये डॉक्टर थे, वर्तमान में एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किसी हॉस्पिटल में कंकड़बाग किसी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। किस अपार्टमेंट से? नंदन अपार्टमेंट कॉलोनी मोड़ के पास। परिजनों द्वारा ही सूचना दी गई? ये तो नाम हमने उजागर कर सकते हैं, लेकिन आसपास ये सूचना आई थी। उसी तरह का कहना है कि हम राखी देते क्या है? नहीं, जो भी पुष्टि शराब की हुई है ये तुरंत का ही है, मतलब एक दो घंटे पहले। आगे क्या कार्रवाई है? आगे जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है शराब पीने में। नाम बहरहाल डॉक्टर साहब तो नशे में थे, लिहाजा घर पहुंची मीडिया को खूब खरी खोटी सुनाई और शराब के नशे में रौब दिखाना शुरू कर दिया। मीडिया ने तो इतना ही डॉक्टर साहब से पूछा था कि धरती के भगवान को शराब की क्या जरूरत है। खुलासा के लिए पटना से आदित्य कुमार की ये खास रिपोर्ट।